सरकार में किस तरीके से लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं, जो जरूरत है समस्या है उसके ऊपर एड्रेस नहीं करेंगे, हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो भाई कल हमको क्षेत्र में जमुई के जनता ने हम लोगों को संतरा दिया और आते समय हम खा रहे थे तो सोचे कि पहले एक वीडियो बना ले, नहीं तो इस पर भी ऑब्जेक्शन उन लोगों ने उठाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ अभी वो लोग बांटने लगा है कि ये कलर मेरा है तो वो कलर आपका है, ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते। तो हम लोग थोड़ा सोचे कि थोड़ा मस्ती कर लेते हैं भाजपा वाले से, क्योंकि भाजपा वाला तो बिहार के युवा, देश के युवा, गरीब, किसान, मजदूर सभी के साथ मजाक कर रहे हैं। उनको बोले थे कि 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। बोले विदेश से काला धन लाएंगे, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, वो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था किसान का आय दुगुनी करेंगे, नहीं किए। तो जब बिहार और देश के युवा, गरीब, किसान, दलित, पिछड़ा सभी के साथ वो मजाक कर रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा हम भी मस्ती कर ले भाजपा वाले से। और हम देखते रहे कि कितना उनको मिर्ची लग रहा है, हम समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम लोग मुद्दा की बात कर रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा वो पूरा नहीं कर रहे, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, एक एक लोगों को बता रहे हैं। तो यही सब कर रहे हैं। और रहा कि थोड़ा फ्री बैठे थे तो हमले थोड़ा मस्ती कर लेते। आज मुंगेर में कार्यक्रम है और जमुई में है, दो जगह कार्यक्रम है और दोनों जगह जा रहे हैं। सब अपने लोगों से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। देखिए भ्रष्टाचारी का तो बात तो अभी समझ लीजिए कि जिस तरीके से भाजपा ने एक पैटर्न बनाया कि लोगों को बॉन्ड के जरिए पैसा का उगाही करने का, ये पूरे दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और आप देखिए ना, अपने आप को कहते हैं हम सनातन हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, और बीफ कंपनी से 250 करोड़ रुपया का चंदा ले लिया। वो कंपनी जो जहाँ हजारों लाखों पशु को काटा जा रहा है, उस कंपनी से पैसा लिया ले रहे हैं। और ऐसा है कि ईडी का नोटिस, सीबीआई का नोटिस भेज देते हैं और उससे उगाही करते हैं, किसी को 100-500 हजार करोड़ रुपया का काम दे देते हैं, टेंडर दे देते हैं और वहां से पैसा उगाही करते हैं। तो भ्रष्टाचारी तो मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का पैटर्न बना दिए। रहा कि मंच पे आ रहे हैं तो मंच पे जनता की बात कीजिए, रहा कि गाली देना विपक्ष को, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जब भी आए, मोदी जी आए, गृह मंत्री जी आए, वो लोग जब भी आते हैं तो जनता की बात करें, जनता के समस्या की बात करें। रहा कि विपक्ष को गाली देने का, वो तो कभी भी दे सकते हैं, उनको परेशान करने का, वो तो कभी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए निश्चित तौर पे जब वो लोग बदले के भावना से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे गलत जो लोग भी कर रहे हैं, आने वाले समय पे उन लोगों को भी देखा जाएगा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।